नमस्कार दोस्तों, मेरा भारत चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान पर यूएनएस की मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक इंटरनेशनली बेइज्जती होना पड़ा और इसकी वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर मुंह दिखाने का लायक नहीं बन पाया है अभी पाकिस्तान। और हर क्षेत्र में पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ जाता है तो उसका इंटरनेशनल किरकिरी होता है, इंटरनेशनल बेइज्जती होता है। और खुद पाकिस्तान के आवाम ने ही पीएम इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। और ये तो पाकिस्तान का ये चीज़ सबसे देखने को मतलब अच्छा लगता है कि उनका मीडिया ने भी पाकिस्तान सरकार को खूब धो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मीडिया का जो रिएक्शन है देखने का लायक तो बनता ही है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की रिएक्शन। पाकिस्तान सलामती काउंसिल के एक इजलास से अपने पड़ोसी नाम ने आज सेकुलर जमहूरिया भारत की मेहरबानियों के सबब बाहर हो गया है। इस चीज का ये जवाब दे दें कि क्या अफगानिस्तान की लॉबिंग हावी होगी उधर, क्या इंडिया की लॉबिंग हावी होगी, तो क्या आप वहां घास काटने जाते हैं और अवाम को ये लॉलीपॉप दे के जो मर्जी बयान यहाँ देते रहे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, लेकिन हकायक दुनिया के अंदर कुछ और है। अब आप जब भिखारी बनकर निकलते हैं तो जो अगलों के जो हुक्म आपके ऊपर सादर होते हैं उनको भी आंखें बंद करके आपको तस्लीम करना पड़ता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मुबारक हो अहले वतन को। लाजिम है कि आधा किलो मिठाई अपने पैसों से खरीद करके और खुद ही खा जाएं। तब्दीली बरदारों को एक और अजीम शान तारीखी कामयाबी का मुंह देखना पड़ा है। ये अलग बात कि अहले वतन के लिए इस कामयाबी में कहीं कोई खुशी की झलक और रमक मौजूद हरगिज नहीं। पाकिस्तान सलामती काउंसिल के एक इजलास से अपने पड़ोसी नाम ने आज सेकुलर जमहूरिया भारत की मेहरबानियों के सबब बाहर हो गया है और खुशी की यह खबर आपसे शेयर करते हुए जाहिर है कि मैं भी काम डाउन रहने की अदाकारी फरमा रहा हूं। कामयाबियों का यह सफर जारी है और न जाने कब तक जारी रहेगा, लेकिन दूसरी जानब मुशीर कौमी सलामती का एक अहम नौईयत का दौरा, अंकल सैम के देश भारत का एक कामयाब को इन्वर्टेड कॉमास में ही समझिएगा, ये दौरा तमाम शुद हुआ। तो यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है और टॉपिक है अफगानिस्तान, जिसके ऊपर मेरी बहन अभी फरमा रही थी कि हमारा बड़ा कलीदी किरदार है, हमने बड़े पीस टॉक कराए और यूनाइटेड नेशन जिसको एक न्यूट्रल एक वो समझा जाता है फोरम, उधर पाकिस्तान को इनविटेशन भी नहीं दिया जाए। इस चीज का ये जवाब दे दें कि क्या अफगानिस्तान की लॉबिंग हावी होगी उधर, क्या इंडिया की लॉबिंग हावी होगी, तो क्या आप वहां घास काटने जाते हैं, कि आपकी लॉबिंग आप नहीं कर सकते कि जिस मामले में आप पूरी कौम को बता रहे हैं कि हम सबसे अहम हैं, हमने ना कर दी, हमने इनकार कर दिया, वहां आपको बुलाया भी नहीं जाता। ये है आपकी फॉरेन पॉलिसी? क्या आपकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि आप अमरीका के सदर से मिलकर आते हैं और आप कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है, और अगले ही कुछ हफ्तों के अंदर इंडिया जो है वो कश्मीर को एनेक्स कर लेता है, 370 और 35A को एब्रोगेट कर देता है, और आप कहते हैं कि मोदी जब इलेक्ट होगा, अल्लाह करे मोदी इलेक्ट हो जाए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है? क्या आपकी फॉरेन, आप देखें कितने गैर जिम्मेदार बयान आप देते हैं आपके एनेक्स है वहां जाके अमरीका में कि हमें कॉल नहीं आई। भाई अगर आपको कॉल नहीं आई आप चुप हो जाए, तजलील क्यों कर रहे हैं पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर, एक इशू वो नहीं उठा रहे आप उठाई जा रहे। यानी कि यहाँ पाकिस्तान में कहा जाता है कि हमारे से अच्छी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं, और यहाँ आपका दाखला बंद है उस इजलास में जिसमें आपका सबसे कलीदी किरदार है। ये इनकी फॉरेन पॉलिसी चल रही है और अवाम को ये लॉलीपॉप दे के जो मर्जी बयान यहाँ देते रहे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, लेकिन हकायक दुनिया के अंदर कुछ और है और दुनिया देख रही है ये तमाशा कि पाकिस्तान क्या कहाँ खड़ा है, क्या वैल्यू रह गई है हमारे
जो है वो फॉरेन डेलीगेट्स की जो जाते हैं बाहर, और क्या वैल्यू रहेगी है हमारे वजीर आजम। थोड़ा सा तवक्कुफ आप कीजिएगा राणा एहसान साहब, मैं एक ऐसे मुल्क के वासी हैं जिसका वजीर आजम न सिर्फ हैंडसम भी है बल्कि सादिक और अमीन भी, जिसके करिश्माती शख्सियत की कस्में खाते फिरती हैं यहां के वजीर, जिसका किया गया कोई ऐसा वैसा काम किसी को आजकल तो कम से कम नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये बैन अल-अक़वामी सिफारतकारी के हवाले से पाकिस्तान की पै दर पै शिकस्त, इसका कोई ऐसा जवाब तराशिएगा जिसमें नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का नाम ना आने पाए, वरना बीच में कूद जाऊंगा। नूरुल आरफीन, ये जो सिचुएशन है ये बहुत क्लियर और वाज़े है। पिछली दहाइयों में हमारे मुल्क की जो एक नेशनल इंटरेस्ट है हमेशा उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, और जो बाकी दुनिया की ताकतवर ममालिक हैं, हमने चूंकि हम एक गदागरी में बड़ा हम महारत रखते हैं और हम एक कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरते रहते थे, तो जो उनकी फिरते रहते थे नहीं फिरते रहते हैं थे, हमको मानो आम मानने पड़ते थे। अच्छा चले हैं भी, क्योंकि वो अब जाहिर है कि इतना जब शिकंजे में आप आ जाते हैं तो उससे निकलना थोड़ा उसमें टाइम लगता है। अब आप जब भिखारी बनकर निकलते हैं तो जो अगलों के जो हुक्म आपके ऊपर सादिर होते हैं उनको भी आंखें बंद करके आपको तस्लीम करना पड़ता है। लेकिन अब पहली दफा है जो आपके प्राइम मिनिस्टर, जिनकी अभी आपने बात की, उन्होंने आंखें दिखाई और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखा, और जब उन्होंने कहा कि हमें बेसिस दें पाकिस्तान में, क्योंकि अब मैडम कथा गलामी की गुंजाइश निकालते हुए अमेरिका ने बेसिस मांगे ही नहीं थे मैडम, ये बहुत हो चुका, काइंडली जो बाइडन पे इल्जाम मत लगाइए, मैं वो बेचारा मतलब उसका पीठ पीछा है, क्यों बिलावजह दुरोगोई से काम लेना, उस अल्लाह मारे ने खुदा की कसम नहीं मांगे थे बेसिस, ये सिर्फ पीटीआई वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मन चाहे एंकर जिसको जो है ना फीस भी ले आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अहम बात ये है या ग्राउंड रियलिटी ये है कि वजीर आजम हाउस का वो अल्लाह मारा फोन जिस पर शायद कभी किसी का कोई इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल आनी थी, अब तक खामोश है। एक फोन का सवाल है बाबा, लेकिन जो बाइडन ने फोन नहीं किया, ये अलग बात के ऐन उस वक्त के जहाज पाकिस्तान की फजाई हदूद में जब दाखिल हुआ तो वहीं से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई कि हमने तो नहीं कहा था, लेकिन आपने कहा था, उन्होंने सुना नहीं। दूसरी जानिब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मजदाक हमारे वजीर खारजा, जो अमूमन अपोजिशन को लताड़ने का काम अंजाम दिया करते हैं पाकिस्तान सिफारतकारी के मैदान में, तो जब टाइम मिलेगा कुछ कर लेगा, खैर हो गई, अभी तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी उनको बुरा भला कहना है, इमरान खान की तारीफें करनी है। वजीर खारजा ने अमरीका बहादुर को एक ट्वीट के जरिए या एक बयान के जरिए नसीहत देने की कोशिश की है अंकल सैम को, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को करार वाकई अहमियत दी जाए,